जैसा कि आप अवगत है, पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा लगातार इस तरह अपराधियों के विरुद्ध अभियान कमिश्नर की पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर 63 और आबकारी की टीम के द्वारा बॉर्डर पे घेराबंदी की गई। घेराबंदी करके इस ट्रक को रोका गया। जब इस ट्रक को रोका गया तो इसमें 750 पेटी अरुणाचल अमेरिका जिसकी बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 45 से 50 लाख रुपये है। साथ में कंटेनर गाड़ी और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हम लोग पूरे नेक्सस का पता लगा रहे हैं कि ये लोग कहाँ लेके जाते थे, कहाँ उतारते थे और इसमें रिसीवर कौन थे और कौन लोग इसको ओरिजिनेट करते थे। इसमें अन्य सभी बिंदुओं का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। इसमें पूरे नेक्सस को भ्रष्ट करने के लिए एक टीम लगाई गई है और शीघ्र ही हम लोग इस पूरे चैन को पकड़ने में कामयाब। सर, अभियुक्त की किस किस धाराओं में मुकदमा कर गिरफ्तारी की गई है? आबकारी अधिनियम की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। कितने की शराब बरामद की? लगभग 45 से 50 लाख रुपये इसकी शराब की कीमत है। कहाँ उतरते थे सर ये? फिलहाल पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में इन लोग उतारने की बात थी, लेकिन हम इस बिंदु पर और काम कर रहे हैं कि बीच में ये, क्योंकि ये जिस प्रकार आप देखेंगे सोनीपत से यहाँ का जो रूट है वो रूट में नोएडा नहीं पड़ता, तो इस रूट में ये कहाँ लेके जा रहा है, तो इस बिंदु पर हम पूरी तरह उनकी गहनता से जाँच। सर, इससे पहले भी अब तक ये लोग क्या करते? इसके पहले भी ये प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि एक ही कागज़ के आधार पर लोग और भी गाड़ियाँ निकाले हैं। कितनी गाड़ियाँ निकाले हैं इसमें और जो ओरिजिनेट करता है वो उसका हम पता लगा रहे हैं और जो रिसीवर उसका पता लगा रहे हैं। तो अन्य बिंदुओं पर निश्चित तौर पर जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें एक दो गाड़ियाँ और ये ले गए हैं। अब कितनी गाड़ियाँ ले गए इसके विषय में गहनता से जाँच करने के बाद।